रिजल्ट है क्लास 12th में, तो हमने ऐसे ही किया था, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स होती है जिसमें मैट्रिसेस में कॉलम होते हैं, आप ऐसे समझे कॉलम होती है और रो होती है। तो मैं आपको कॉलम बताऊंगा, रो बताऊंगा। सपोज करो कि मेरे पास हम ऐसे ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है फ्रेंड्स, ये टाइप के ना एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इसी को हम कहते हैं मैट्रिसेस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मैट्रिस कहते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2, C3, ठीक है। ऐसे कोई ये जो होते हैं, ये एक टाइप के एलिमेंट है, A1 एलिमेंट है, A2 एलिमेंट है, A3 एलिमेंट। अब देखिए हमारे पास ये एक पूरी लाइन चलती है, इसको कहते हैं रो। क्या कहते हैं? इस टाइप को कहते हैं रो। ऐसे है एक लाइन टाइप है तो हम उसको रो कहेंगे। और अगर एक ऐसे लेंगे दिस इज अ कॉलम, क्या ये कॉलम, तो इस टाइप से लोगे, अगर ये पूरी ऐसी लाइन है तो ये है रो और ऐसा है तो कॉलम। ये आपको समझ आना चाहिए, और समझ गए हो, नहीं समझाया तो वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैट्रिक्स एक टाइप का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऐसे इसमें कॉलम होती है, वी गेट अ कॉलम एंड दिस इज अ रो। रो क्या होती है? सीधी लाइन है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस ये होता है मैट्रिक्स। अब मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि मैट्रिसेस में किस किस चीजों से क्या क्या होता है, कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, ये मैं आपको सारे डिस्कस कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। स्कूल में ऐसा होता नहीं है, बट मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, जितना अच्छी तरीके मैंने अपने पढ़ रखा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स में कहाँ पे रो होती है, कहाँ पे कॉलम होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और क्या रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, ठीक है। सबसे फर्स्ट बात हम सबसे पहली बात सीखेंगे हम, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए 11 है, ए 12 है, ए 13 है, ए 21 है, ए 22 है, ए 23 है, ए 31 है, ए 32 है, ए 33 है। अब मैं इसको मतलब भी बताऊंगा आपको, देखना। अब देखिए क्या करना, सबसे पहले एलिमेंट लिख लो और उसके बाद ये लगाओ मैट्रिक्स का साइन। दिस इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये टाइप की मैट्रिक्स है जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, ये A11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स, बहुत मेन चीज बात है। ये जो A11 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन से रो में है, पहले रो में और पहली ही कॉलम में। आपको कैसे पता लगा, ये वाला फॉर्मूला यूज किया AI से, जिसका मतलब क्या होता है, आई का मतलब यहाँ आई रिप्रेजेंट द रो, और यहाँ पे जो जे रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉलम को। देखिए आई क्या है, रो, पहली रो और पहला कॉलम, ठीक है। तो वन का मतलब पहला, पहली रो और पहला ही कॉलम, तो फर्स्ट वन फर्स्ट कॉलम ऐसे रखेंगे तो ये एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब आपको एक और करके दिखाता हूँ, तो पहली रो और दूसरा, मतलब फर्स्ट वाला जो है वो रो है, दूसरा वाला कॉलम है। A13 ले लो, फर्स्ट वाला रो है, दूसरा वाला कॉलम है। A31 ले लो, पहला वाला रो है, दूसरा वाला कॉलम है। इस टाइप सबको पता होना चाहिए किस टाइप से क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता लग गया। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको बताया किस टाइप से रो, किस टाइप से कॉलम, ठीक है। बस उसके बाद मैं आपको एक चीज बता दी, हां ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको बोला कि आप निकालो A12, अगर आपने A12 निकालना हो तो इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, कोई एक जैसे आपको 2 दिया हो तो आपको बोला A12 निकालो। A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट आएगा, ये वाला, ठीक है, ये टाइप का। अब ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर का मतलब है, इसको पहले बिठा लेते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहली बात होती है रो इनटू कॉलम, फॉर्मूला होता है ROW into COLUM, कॉलम। अब रो कितनी है इसमें, रो गिनो पहले, रो क्या होती है, मैंने क्या बताया सीधी, तो कितनी रो है इसमें, एक रो, दो रो एंड तीन रो, सो वी गेट 1 row 2 row and 3 row, तो तीन रो है, तो वी गेट 3 multiply, और कितने कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम, तो 3 into 3, तो 3 by 3 की ये मैट्रिक्स है, ऐसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, बट अभी क्या 3 by 3 मैट्रिक्स है ये, ठीक है, हमने ऑर्डर निकाला इसका आपको। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे आपने, मैंने आपको बताऊंगा एक और आसान आसान से क्वेश्चन,
पर उससे पहले आगे चलते हैं, हमने देखने टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैंने आप सबके नेमिंग दे देते हैं जो मैंने बताऊंगा आपको, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द टाइप ऑफ रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। रो क्या होती है, जो आपको बताया हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम मैट्रिक्स वर्टिकल लाइन, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और जितनी नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि हम एक डायगोनल के तौर पे लेंगे, स्केलर मैट्रिक्स एज वेल एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये नो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं जो आपको डिस्कस कराऊंगा। फर्स्ट फोर वी गेट, क्योंकि फ्रेंड्स आपको बेसिक पढ़ना जरूरी है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, पहली बात रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, a matrix having one row is known as row matrix. ऐसी matrix जिसका एक ही row होती है उसको हम this कहते हैं। Suppose करो ये element ले, 1, 2, 3। ऐसी matrix जिसकी एक ही row होती है उसको हम क्या कहेंगे, row matrix। और इसका order क्या है, order क्या होता है, row into column। तो कितनी row है, एक ही row है और column कितना है, 1, 2, 3 column है, तो 1 into 3 matrix, ठीक है friends। नेक्स्ट वी गेट कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स भी सेम है, अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, सिंपली इज अ वन कॉलम। तो वन कॉलम का मतलब यही है कि 1, 2, 3। अब देखो, अब रो इनटू कॉलम, अब ऑर्डर के निकालोगे, कितनी रो, 1, 2, 3, तीन रो मतलब उल्टा। तो आपको समझना पड़ेगा किस टाइप से होते भी है, ठीक है, कि रो कितनी है, रो है 1, 2, 3, तीन रो एक कॉलम, ठीक है। दो वाली बात देता हूँ आपको, रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है। सबसे मेरा मेन बात फ्रेंड्स आपको बता दूँ, अगर स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ में आप, तो आपको ऑर्डर निकालना तो आना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में ऑर्डर ही पूछाता है, इससे अलग कुछ नहीं पूछाता, ठीक है। ठीक है, टू टाइप ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपसे डिस्कस किए, अब मैं आपको थ्री टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करूंगा। देखिए, अब आपके पास, मेरे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, सो वी गेट अ थर्ड, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, देखो आपके पास नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू कॉलम, जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, याद ना, जितने रो उतने कॉलम। जैसे आप सपोज करो कि हमने क्या दिया था, 3x3 मैट्रिक्स, जिसमें जितने रो थी उतने ही कॉलम भी थे, तो ये एक टाइप का एग्जांपल है, ठीक है। फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, देखिए ऑल एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट डायगोनल मैट्रिक्स, तो ऑल द एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहता है सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे एक्सेप्ट डायगोनल, दैट इज 1, 2 और 3। व्हाट इज लिंक बाय डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे बस डायगोनल को छोड़ के। डायगोनल का मतलब क्या, देखो 1, 2, 3 वी गेट 0, 0, 0, 0, 0, 0, सो व्हाट इज डायगोनल, दिस इज द टाइप ऑफ डायगोनल। तो सारे एलिमेंट जीरो हैं डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। व्हाट इज लिंक बाय स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जितनी रो है उतनी कॉलम बनेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि सारे एलिमेंट एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन ले रखी है कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ओ ठीक है। नेक्स्ट वी गेट स्केलर मैट्रिक्स, हम 5 मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स आपको लिखा देता हूं मैं सारी, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, क्या डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज माय डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी वी गेट नो, डायगोनल मैट्रिक्स हम पढ़ लिया, हमने पढ़ना है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें देखिए 2, 2, 2 सारी थी, उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो सारे के सारे सेम होते हैं, उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सो ऑल द एलिमेंट
आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट आर सेम, ठीक है, तो सारे के सारे, बिकॉज क्या लिखा आपने, ऑल द एलिमेंट आर जीरो, पिछला ही जो है, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, बस इतनी सी बात है। वी गेट आइडेंटिटी एलिमेंट, देखो आइडेंटिटी का मतलब, अब मैं आपको सारे इसमें बता देता हूँ, बट आप देख सकते हैं किस टाइप से करेंगे आप, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये है आइडेंटिटी रिप्रेजेंट वन, कि आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करती है वन को, इसका मतलब ये है कि वन वन वन, डायगोनल एलिमेंट्स कितना आएंगे, वन आएंगे इसके, ये देखो ये वन, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स आएगा, जीरो मैट्रिक्स मतलब यहाँ जीरो आ जाएंगे, सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है, कुछ दिक्कत ही नहीं है, जीरो मैट्रिक्स मतलब दिस इज सेवंथ इज जीरो मैट्रिक्स, विकेट जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में सारे ही जीरो हो जाएंगे बीच में, और बस ये मैं आपको बताऊंगा, इतनी सी हमारे पास थोड़े से मैट्रिक्स है, ये वीडियो इतनी थी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।